गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम सुधाकर सर एंड टुडे आई टीच टू यू क्लास सेवन्थ मैथमेटिक्स चैप्टर 14 सेमेट्री। स्टूडेंट आज हम चैप्टर 14 में आपको सेमेट्री पढ़ाने जा रहे हैं। क्या पढ़ाने जा रहे हैं? सेमेट्री आप इंट्रोडक्शन में देख सकते हैं। सेमेट्री इज एन इम्पॉर्टेंट ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट। जो सेमेट्री है वो हमारा एक ज्यामिति कॉन्सेप्ट है जो क्या करता है, कॉमनली एक्सहेबिटेड एट ए नेचर एंड इट्स यूज्ड ऑलमोस्ट एवरी फील्ड ऑफ एक्टिविटी, जो कि प्रत्येक एक्टिविटी पर, प्रत्येक क्षेत्र की एक्टिविटी में हमारा क्या है, वर्क करता है। आर्टिस्ट जो भी हैं वो भी सिमेट्रिकल का यूज करते हैं, प्रोफेशनल डिजाइनर जो हैं वो भी सिमेट्रिकल्स का यूज करते हैं, और क्लॉथिंग और ज्वेलरी मतलब कपड़े की दुकान वाले, चाहे ज्वेलरी शॉप वाले हों, चाहे कार बनाने वाले हों, चाहे कोई भी हो, वो सारे चीज लोग जो हैं वो सिमेट्रिकल्स का यूज करते हैं। द बी हाइव्स मतलब मधुमक्खी अपने छत्तों को बनाने में भी सिमेट्री का यूज करते हैं। ये कहते हैं द फ्लावर्स में भी सिमेट्री का यूज होता है, पेड़ की पत्तियों में भी सिमेट्रिकल्स ऑब्जेक्ट, रिलीजियस सिंबल्स, रक्स एंड हैंड करचीफ, एवरीवन यूज सिमेट्रिकल डिजाइन। इन सारी चीज़ों की जो डिजाइंस हैं, सारी चीज़ों की डिजाइन भी सिमेट्रिकल्स होते हैं। जैसे यहाँ पे देखते हैं आर्किटेक्चर ने हाउस बनाया है, इस हाउस की आप देखेंगे डिजाइन क्या है, सिमेट्रिकल्स है, बीच में सिमेट्रिकल्स लाइन जा रही है। इंजीनियर ने कार बनाया, कार की जो डिजाइन है यहाँ पे सिमेट्रिकल्स लाइन जा रही है। नेचर प्रकृति में भी सिमेट्रिकल्स है, आप टोटो ट्वाइस के शेप से समझ सकते हैं। वी ऑलरेडी हैड अ लाइन सिमेट्री इन योर प्रीवियस क्लास, आपने प्रीवियस क्लास में लाइन सिमेट्री के बारे में महसूस किया था। अ फिगर हैज अ लाइन सिमेट्री इट देयर लाइन अबाउट विच द फिगर मे बी फोल्डेड इन टू द टू पार्ट फिगर विल बी कंसाइड, कहता है फिगर में सिमेट्री लाइन ये है, तो जैसे टू एक फिगर मैंने बताया उसको फोल्ड किया, ओपन किया करने के बाद हमें वो लाइन क्या हो रही, शो हो रही है। देखेंगे एक पिक्चर्स यहाँ पे सिमेट्रिकल लाइन आपको शो हो रही है, ये आप देखेंगे पिक्चर शोविंग सिमेट्रिकल लाइन, ये इस पिक्चर में देखेंगे ये सिमेट्रिकल लाइन, इस पिक्चर में देखेंगे ये सिमेट्रिकल लाइन, तो ये हमारे सिमेट्रिकल्स मिक्स ऑफ सिमेट्रिकल लाइन पेपर कट डिजाइन। फिर इसके बाद देखेंगे हमारा ट्रायंगल्स है यहाँ पे बोला, अब ये देखेंगे इंजॉय आइडेंटिफाई द लाइन्स डिजाइन, अब देखिए यहाँ पे वर्ड्स बनाया है और उसमें सिमेट्रिकल्स लाइन बनाया है, आपने दिख रहा होगा लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर रेगुलर पॉलीगन। अब ये रेगुलर पॉलीगन है, इस पे सिमेट्रिकल लाइन्स, अब ये हमारा रेगुलर पॉलीगन है, तो रेगुलर पॉलीगन में सिमेट्रिकल लाइन एक ये ऐसे गई पूरी, फिर एक ये गई, फिर एक ये गई, ये रेगुलर पॉलीगन है, मतलब इस जिसकी ऑल साइड इक्वल होती है। ये देखेंगे एक रेगुलर पॉलीगन है, इसकी सिमेट्रिकल लाइंस ये बना दिया और ये बना दिया, इस तरह आप क्या है किसी भी रेगुलर फिगर की आप सिमेट्रिकल लाइंस बना सकते हैं। फिर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखा है कि ये बनाया है, आप देखेंगे कि अ पेंटागन है रेगुलर नेचुरली, ये पेंटागन है नेचुरली, इट शुड बी हैव इक्वल लेंथ, इसकी लेंथ भी इक्वल है। वी विल लेटर ऑन द लर्न द मेजर ऑफ द एंगल 108 डिग्री, और इसका एंगल मेजर किया 108 डिग्री, और ये हेक्सागन बनाया है जिसकी ऑल साइड क्या है, इक्वल है, और इसमें सिमेट्रिकल्स बनाया है। अब देखेंगे ट्रायंगल में एक रेगुलर पॉलीगन, जैसे हमारा पास ट्रायंगल है, रेगुलर पॉलीगन है, और जैसे कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में आपको लाइन सिमेट्रिकल लाइन दिख रही होगी, कहता है थ्री लाइन सिमेट्री, इक्विलेटरल ट्रायंगल में हमारी थ्री लाइन सिमेट्री है, स्क्वायर में फोर लाइन सिमेट्री है आप देख रहे हैं, फाइव लाइन सिमेट्री हमारी पेंटागन में है, और सिक्स लाइन सिमेट्री हमारी क्या होती है, हेक्सागन में होती है। कितनी लाइन, सिक्स लाइन सिमेट्री हमारी किस में है, हेक्सागन में है। फिर इसके बाद देखेंगे, अब इसमें कहता है कॉपी द फिगर एंड पंचर द एक्सिस ऑफ द सिमेट्री ऑफ द फॉलोइंग, अब इसमें कहता है कि कॉपी द फिगर, इस फिगर जो बने हैं इसकी कॉपी करना है और इसमें सिमेट्रिकल लाइंस बनाना है। सिमेट्रिकल लाइन कौन सी कहाँ से बच जाएगी ये आपको बनाना है, क्या करना है, बनाना है। आप देखेंगे सिमेट्रिकल्स लाइन, तो इसमें आप सिमेट्रिकल्स लाइन बनाएंगे कॉपी द फिगर, इसमें बोला है फिगर को, तो देखें कॉपी द फिगर द पंचर्ड होल द एक्सिस ऑफ सिमेट्री फॉर द फॉलोइंग। अब ए नंबर पे देखेंगे कैसे बनाएंगे, ए नंबर पे हमारा सिमेट्रिकल लाइन बनाना है, तो आप बनाएंगे ये मतलब इसके बीच से एक लाइन के, दूसरे नंबर पे ये बी नंबर है जैसे बनाया है आपको वैसे सेम टू सेम जैसे बोला है वैसे ही जाना है, ये सी नंबर पे आपको बोला है देखिए इस तरह निकलने के लिए, तो आप ये होल से ही पंचेट करके निकालना है।
डी नंबर पे भी बोला है आप देखेंगे तो डी नंबर पे भी आपका ऐसे ही जाएगा, ऐसे 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 ऐसे। ई नंबर पे बोला है, ई नंबर पे ये बोला है, ये और ये होल से। यक नंबर पे बोला है देखेंगे तो यक नंबर पे किस तरह बोला है, और आप इसमें ऐसे भी करेंगे, ये 20 से एक ये और एक ये। और यक नंबर पे बोला है तो यक नंबर पे अब पहले हमारा ये जाएगा, ये लाइन आई जो 20 से आए, फिर इसके बाद हमारी कौन सी लाइन आएगी, एक ही लाइन आएगी, फिर इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, जी नंबर पे देखेंगे तो जी नंबर पे हमारा क्या है, लाइन सिमेट्रिकल बताना है। ये अरे यार टेढ़ा गैस क्यों बनता है, ये 20 से आनी चाहिए, मतलब सीधा बना लीजिएगा ये। फिर इसके बाद इसमें बोला है तो इसको आप ऐसे बना देंगे, ऐसे 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 इस तरह आप बना लेंगे, सभी में सिमेट्रिकल लाइन बना लेंगे। फिर जे नंबर पे बोला है तो जे नंबर देखेंगे तो जे नंबर जे नंबर पे तो आपको इसमें बोला है कि आपको कहाँ से सिमेट्रिकल लाइन ले जाना है, तो आपको बोला है कि आप सीधे सिमेट्रिकल लाइन यहाँ से लेकर के आइए। आई नंबर पे बोल आई जे आई था, हाँ अभी जे नंबर पे सर्कल है तो सर्कल के 20 से, फिर ये सर्कल है इस सर्कल के ऐसे और ये ऐसे, और इसके बाद हमारा जे के यल नंबर है, यल नंबर पे आप ऐसे ला देंगे, हो गया। फिर सेकंड नंबर क्वेश्चन, गिव द लाइन सिमेट्री टू आर्डर अदर होल, कहता है जो अन्य होल है उस पे आप सिमेट्री लाइन दीजिए, कहता है अदर होल मतलब जो अन्य है उस पे। अब यहाँ पे देखिए गिव द लाइन सिमेट्री दी गई, अदर होल इसका यहाँ पे आएगा, इसका होल 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 यहाँ पे आएगा, होल इस तरह बनाना है। तो मैंने इसका सभी का होल बना दिया है, आप बना लेंगे। फिर इसके बाद देखेंगे हमारा जो लास्ट नंबर है उस पे देखेंगे तो इस पे क्या है, इन फिगर ऑफ द फॉलोइंग मिरर लाइन, अब ये मिरर लाइन वाला ऑब्जेक्ट है। फिर इन द गिवन डॉटेड लाइन दी गई है, कंप्लीट ईच ऑफ द परफॉर्मिंग रिफ्लेक्शन इन द डॉटेड लाइन एंड परहैप्स प्लेस अलॉन्ग द डॉटेड लुक इन टू द मिरर। अब हमें मिरर में देखना है और बनाना है, इसमें बोला है। अब इनमें सभी आप जानते हैं कि इसमें सभी का अपोजिट बनेगा, जैसे कि ये हमारा है तो ये हमारा जब इसको मैच कर देंगे ऐसे पूरा तो ये स्क्वायर से बन जाएगा, ये ट्राइंगल से बन जाएगा, ये हमारा रोम्बस बन जाएगा, ये हमारा सर्कल बन जाएगा, ये हमारा पेंटागॉन बन जाएगा, और ये हमारा क्या बन जाएगा, 1 2 3 ऑक्टागॉन बन जाएगा। फो क्या बन जाएगा हमारा, ऑक्टागॉन बन जाएगा। मतलब ये हमारा क्या बन जाएगा, ऑक्टागॉन बन जाएगा, बना लीजिएगा। फिर फोर नंबर पे द फॉलोइंग फिगर्स हैव मोर वन लाइन ऑफ सिमेट्री, दिए गए फिगर्स में वन लाइन हमारी क्या है, सिमेट्री है। सच फिगर आर सेड द हैव मल्टीपल लाइन ऑफ सिमेट्री, तो इसमें बोलता है कि वन लाइन सिमेट्री है, क्या आप बता सकते हैं इस फिगर में मल्टीपल लाइन सिमेट्री हो सकती है, तो आपको देखना है और बताना है, देखना है और बताना है। द फॉलोइंग है फिगर हैव मोर देन वन लाइन ऑफ सिमेट्री, सच फिगर आर सैड हैव मल्टीपल लाइन ऑफ सिमेट्री, तो इस फिगर कहता है कि हम मल्टीपल लाइन ऑफ सिमेट्री बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, यही हमारे बता के लिए बताना है। और जैसे यहाँ पे दिया है आइडेंटिफाई ए नंबर पे, अब इसमें देखिए पहले नंबर में हमें दिखा दिया है कि मल्टीपल लाइन सिमेट्री है, तो अब हमारे पास मोर फिगर दिए गए हैं, इन फिगर फिगर में हमें
ज़्यादा से ज़्यादा लाइन सिमेट्री करनी है। तो पहले नंबर पे ये लाइन हमारी सिमेट्री कैसे होगी, ये आप देखेंगे, ये हमारी बीच से एक लाइन आई, सिमेट्रिकल हो गई। दूसरी हमारी लाइन सिमेट्री हो जाएगी, इसमें इस तरह जाएगी और ये एक सिमेट्रिकल लाइन बनाएगी, और तीसरी हमारी लाइन इस तरह आएगी और ये सिमेट्रिकल लाइन बनाएगी। फिर बी नंबर पे देखेंगे तो बी नंबर पे एक ये लाइन सिमेट्रिकल से बनाई, एक ये लाइन सिमेट्रिकल बनाई, मतलब ये बीच से आ रही है। सी नंबर पे देखेंगे तो सी नंबर पे एक हमारी पहली लाइन ये सिमेट्रिकल लाइन, ये सिमेट्रिकल लाइन बनाई, दूसरी ये बनाई और तीसरी ये बनाई। अब डी नंबर पे देखेंगे तो डी नंबर पे हमें ऑब्जेक्ट इस तरह है कुछ, तो इसकी ये सिमेट्रिकल लाइन बनी। फिर ई नंबर पे देखेंगे, ई नंबर पे हमारा ऑब्जेक्ट कैसा है देखेंगे, ई नंबर पे ऑब्जेक्ट देखेंगे तो हमारा कुछ इस तरह है, जैसे ऑब्जेक्ट वैसे सिमेट्रिकल लाइन, ये मतलब ये और ये, मतलब इस तरह हमारी सिमेट्रिकल लाइन बनेगी। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारी सिमेट्रिकल लाइन है। फिर हमारा ऑब्जेक्ट है, इसकी सिमेट्रिकल लाइन ऐसे बना देंगे, मतलब कुछ इस तरह। फिर हमारा जी नंबर का ऑब्जेक्ट है, उसमें सिमेट्रिकल लाइन बनाना है, तो आप सिमेट्रिकल लाइन बनाते जाइए। पहला दो मिनट, पहला सिमेट्रिकल लाइन इसमें कुछ इस तरह जाएगी। पहले में इस तरह भेजो, दूसरे में इस तरह भेजो, फिर ऐसे आप बना लीजिएगा। फिर यश नंबर है हमारा, यश नंबर में तो आप देखेंगे बहुत सारी सिमेट्रिकल लाइंस बनेगी, ऐसे भी बनेगी, ऐसे भी बनेगी, ऐसे भी बनेगी, मतलब कि बहुत सारी सिमेट्रिकल लाइन बनेगी। तो इस तरह हम कमी सिमेट्रिकल लाइन बना लेंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। फिर कहता है कॉपी द फिगर गिवन, दिए गए फिगर की आपको कॉपी बनाना है, और टेक एनी वन डायगोनल लाइन सिमेट्री एट द स्क्वायर, ये आप कर लेंगे। ऐसे 6 नंबर भी आपको डायग्राम मैं दे दूंगा, आप कर लीजिएगा। 7 नंबर में भी आपको इसमें बताना है कि कितनी लाइन किसमें सिमेट्री होगी। 7 नंबर पे स्टेट नंबर ऑफ लाइन सिमेट्री ऑफ द फॉलोइंग फिगर, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल में 3 लाइन सिमेट्री होगी, मैंने अभी आपको कुछ देर पहले पढ़ाया था। फिर आइसोस्केलन ट्रायंगल, आइसोस्केलन ट्रायंगल में 1 लाइन सिमेट्री होती है होगी। स्केलन ट्रायंगल, स्केलन ट्रायंगल में 0 लाइन सिमेट्री होगी, कितनी लाइन सिमेट्री होगी, 0 लाइन सिमेट्री होगी। स्केलन ट्रायंगल की बात करते हैं तो 4 नंबर में पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम 4 लाइन सिमेट्री। फिर इसके बाद है क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल में 2 लाइन सिमेट्री। और फिर इसके बाद रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन में आप देखेंगे रेगुलर नहीं रोम्बस दिया है, रोम्बस, रोम्बस में इसमें आपको बताया है रोम्बस में कितनी लाइन सिमेट्री होगी, तो रोम्बस में आप देखेंगे 2 लाइन सिमेट्री होगी। फिर हमारा है पैरेललोग्राम, क्या दिया है जी नंबर पे, पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम में 0 लाइन सिमेट्री होगी। फिर हमारा क्वाड्रिलेटरल्स दिया है, क्वाड्रिलेटरल्स पे भी हमारी 0 लाइन सिमेट्री होगी। फिर हमारा क्या है रेगुलर हेक्सागन दिया है, रेगुलर हेक्सागन पे 6 लाइन सिमेट्री होगी, और सर्कल में इनफाइनाइट मतलब बहुत सारी लाइन सिमेट्री होगी। 8 नंबर में व्हाट लेटर इंग्लिश अल्फाबेट रेक्टेंगुलर रिफ्लेक्शन सिमेट्री मिरर, अब वर्टिकल मिरर, अब वर्टिकल मिरर में बोला है कि कौन कौन से लेटर सिमिलर दिखेंगे,
तो हमें सिमिलर दिखने वाले लेटर जो मिलते हैं वो ए को हम इधर से देखें उधर से देखें तो हमें सेम ही दिखाई देगा, यच भी सेम दिखाई देगा, आई भी सेम दिखाई देगा, यम भी सेम दिखाई देगा, ओ भी सेम दिखाई देगा, टी भी सेम दिखाई देगा, यू भी सेम दिखाई देगा, डब्लू भी बी डब्लू एक्स वाई भी डब्लू एक्स वाई ये सब हमें सेम दिखाई देंगे। एंड ओरिजेंटल मिरर, ओरिजेंटल मिरर में इसमें बोला है हमारे पास क्या हो जाएगा, इसमें बी नंबर पे हमारा हो जाएगा, बी नंबर पे ओरिजेंटल मिरर में बी हमारा हो जाएगा, सी हो जाएगा, बी सी डी ई एच ई एच फिर आई ओ एक्स आई ओ एक्स। फिर कहता है बोथ हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल मिरर, तो ओ एक्स आई एच ओ एक्स आई एच। वर्टिकल मिरर मतलब समझते हैं आप, जो कि सीधा ऐसे काटे इस तरह, और ओरिजेंटल मतलब जानते हैं जो इस तरह काटे, जैसे बी है सी है डी है ई है इस तरह, ए जो था तो ए ऐसे ठीक है, फिर इसके बाद बी सी डी ई एम नहीं था, फिर हमारा क्या आया यच, यच भी ऐसे ओरिजेंटल मतलब वर्टिकल मतलब आई हो गया, ये भी ऐसे कैंसिल यानी कर देगा सिमेट्री हो गया, ये हमारा सब नाइन। गिव थ्री एग्जांपल टू शेप विथ नो लाइन ऑफ सिमेट्री, तीन शेप का एग्जांपल दीजिए जिसमें एक भी लाइन सिमेट्री नहीं हो सकती। नाइन नंबर पे तो तीन शेप का आपको नाम बताना है जिसमें लाइन सिमेट्री नहीं होती, तो हम इसमें आपको बता देते हैं कि कौन कौन से तीन शेप होंगे जिसमें लाइन सिमेट्री नहीं होगी। तो आप मैंने आपको यहाँ पे शेप बताया था थर्ड नंबर पे, क्या बताया था पहले नंबर पे स्केलन ट्रायंगल, स्केलन ट्रायंगल एक ऐसा शेप बनेगा जिसमें जीरो लाइन सिमेट्री होगी, एक भी लाइन आपकी सिमेट्री नहीं होगी। फिर मैंने आपको बताया था इसमें एक शेप का नाम मैंने बताया था कि उसमें एक भी लाइन सिमेट्री नहीं होगी, वो होगा हमारा पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में भी हमारी एक भी लाइन सिमेट्री नहीं होगी, और क्वाड्रिलेटरल में भी एक भी लाइन सिमेट्री नहीं होगी। तो ये तीन शेप का नाम लिख लीजिएगा जिसमें एक भी लाइन सिमेट्री नहीं होगी। फिर हमारा 10 नंबर में को दिया है व्हाट ऑफ अदर नेम यू कैन गिव लाइन सिमेट्री ऑफ, कहता है एन आइसोस्केलन ट्रायंगल, एन आइसोस्केलन ट्रायंगल में जब हमारी एक लाइन सिमेट्री हो जाती है तो उसका नाम हम लोग देते हैं मीडियन, क्या देते हैं मीडियन, और सर्कल में अगर एक लाइन सिमेट्री होती है तो उसको हम बोलते हैं डायमीटर, क्या बोलते हैं डायमीटर। तो इस तरह हमारा क्या हो गया 10 नंबर क्वेश्चन सिमेट्री का 11.1 14.1 का कंप्लीट, 14.1 का कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ाएंगे स्टूडेंट 14.2 के क्वेश्चंस, तब वीडियो को लास्ट तक देखें, चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें शेयर करें।